सभी साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, आज देश जिस वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, विश्व के काफ़ी सारे देश इसके चपेट में आ चुके हैं, साथ ही हमारा भारत देश भी इस महामारी से बचा नहीं है। किंतु देश में जो हालात हैं, देश की परिस्थिति को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का फैसला किया, वो हमारे देश के लिए और देश की जनता के लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है उस बीमारी के महामारी के बचाव के लिए। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन दिया, उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए हमारे पास लॉकडाउन के अलावा अन्य कोई उपाय हाल फिलहाल नहीं है। और उन्होंने भारतीय संविधान का जो पहला शब्द है, हम भारत के लोग, इसका रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर जी यही चाहते थे, हम भारत के लोग। अगर देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता की जब बात आती है, तब हमारे मन में एक भाव पैदा होता है जिसको हम कहते हैं। साथियों, हम जो वर्ड है वो इतना विस्तृत है, ये देश की एकता और अखंडता के लिए कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और जिस दिन इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में हम की भावना आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित ही भारत उस दिन एक इकोनॉमिकल कह लीजिए, इस रूप से विश्व के सामने प्रकट हो सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इतना पावर उस हम शब्द में है। जैसे हम अपने आप को समझते हम, वैसे हमारे मन में देश के प्रति एक भावना जागृत हो जाती है कि यह राष्ट्र, यह देश हमारा है, हम भारत के लोग हैं और इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा भाई है, बंधु है, जिसके प्रति हम सम्मान प्रकट करते हैं। तो बात हम कर रहे थे इस महामारी की, जिसे कोरोना या COVID-19 के नाम से जाना जाता है। इसमें एक शब्द का प्रयोग बहुत जोर शोर से किया जा रहा है, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग नाम दिया गया है। चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग ये शब्द की उत्पत्ति जहां से भी हुई हो, किंतु भारत में सोशल डिस्टेंसिंग कई हजारों सालों से स्थित है और इस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भारत में जातियों का निर्माण हुआ है, जिसमें OBC, SC, ST ऐसी 6,743 जातियों से अधिक हमारे संविधान में जो वर्ग है, OBC, SC, ST, उसके अंतर्गत ये जातियाँ आती हैं। इन जातियों की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई है, वह भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, हम उस शब्द का खंडन करती है। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, ये सुनने में प्रिय लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे, तो जब आप समाज से दूरी बनाएंगे, तो आप एक नए समाज का निर्माण कभी नहीं कर सकते। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, ये लंबे समय से चलने वाली प्रक्रिया है और काफी लंबे समय तक ये स्थित हो सकती है। जबकि WHO ने भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड जो है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पर फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द का निर्माण होना चाहिए। चूंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाम सोशल डिस्टेंसिंग, इन दोनों शब्दों में अंतर है। फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द
एक स्वस्थ व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति के बीच की दूरी है, किंतु सोशल डिस्टेंसिंग इस देश में रहने वाले उन समाज व्यक्ति के बीच में पैदा की गई वो दूरी है जिसे मिटाना या जिसके ऊपर घात करना काफी कठिन हो चुका है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे खूंटा, इस एक खूंटे से आदमी बंध गया और उसने उस खूंटे को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि भारतीय संविधान कहता है कि उससे ऊपर उठ जाइए, उससे ऊपर उठने के बाद सबसे पहले हमारे मन में हम की भावना लाइए। हम की भावना देश प्रेम की भावना है, राष्ट्र प्रेम की भावना है, और उसी से आप देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं, देश की एकता और अखंडता को कायम रख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जब भी विदेशों में कोई भारतीय जाता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन हैं, और अगर पूछा गया तो ये नहीं, आपके जाति के नाम पर या आपके संप्रदाय के नाम पर वो कभी भी आपको नहीं पहचानता, वो आपको पहचानता है आपके भारतीय होने पर। अगर आपको अपना परिचय देना है तो वहाँ पर बोलना पड़ेगा कि मैं, वी आर इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया, तब जाके हमारी वहाँ पहचान होगी। साथियों, ये जो शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग, इस शब्द का प्रयोग जब तक ये महामारी है उस समय तक हो तो ठीक है, उसके बाद अगर इस शब्द का प्रयोग होता है तो ये हमारे देश के लिए घातक हो सकता है। हमको शारीरिक दूरी एक बीमार और एक स्वस्थ व्यक्ति के बीच में जो होती है वो तो ठीक है, लेकिन सामाजिक दूरी अगर हम बनाते हैं तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए निश्चित ही विनाशकारी हो सकता है। दूसरी चीज, जाते जाते एक चुटकुला हम आपको सुनाना चाहेंगे। एक गांव में एक बाबा आए, वो सभी बीमारियों का इलाज करते थे। तो वहाँ एक अम्मा थी उस गांव में, उनकी जो बहू थी उनको लड़के बच्चे नहीं हो रहे थे। तो अम्मा ने कहा कि क्यों ना बहू को बाबा के पास ले जाया जाए। बाबा की एक खासियत थी, जो भी उनके पास में बीमारी का इलाज करने आते थे तो जिससे रिलेटेड जैसे जो भी बीमारी होती थी उसके ऊपर कोई ना कोई टोटका वो बताते थे। तो पहले अम्मा गई, अम्मा ने पूछा कि भाई ऐसे बाबा, ऐसी ऐसी बात है, बहू है हमारे यहाँ, उनको बच्चे नहीं हो रहे। तो अम्मा थोड़ी कान की कच्ची थी, उनको कम सुनाई देता था। उन्होंने बाबा ने कहा कि आप एक काम करना, एक बोतल में गौमूत्र लेके आना। अब अम्मा कान की कच्ची, उन्होंने गौमूत्र की जगह बहुमूत्र सुन लिया, और वो घर आई, उसको लगा कि हो सकता भाई बच्चे नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं इसका संबंध होगा, बाबा तो बाबा है। तो उन्होंने अपने बहू को कहा कि बहू, एक बोतल में अपना मूत्र, बहुमूत्र मतलब लेना है, और हमको बाबा के पास जाना है। दूसरे दिन वो बाबा के पास गए। बाबा के पास जाने के बाद उन्होंने अपने प्रक्रिया की, और प्रक्रिया करने के बाद उसको, बहू को कहा कि आपको इसको पीना है। तो डर गई, वो कुछ नहीं बोली, बोली नहीं नहीं मैं इसको नहीं पीऊंगी। तो उनने कहा नहीं बेटी, मना नहीं करते, इसको पीना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं पीऊंगी। बोले गौमूत्र है, इससे कुछ नहीं होता है, इससे सारी की सारी बीमारियां आपकी, मतलब जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान है ये। तो बाबा ने ऐसा लिया, उसको इधर उधर छिड़का और एक घूंट पी लिया, और बोले ये देखो मैंने पी लिया, अब तुम भी पी लो। तो वो वहां बोले नहीं 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 मैं नहीं पीऊँ। तो बोले क्यों? तो भाई मेरा ही मूत्र में मैं कैसे पीऊँ। तो बाबा ने धड़ाल से बॉटल फेंका और बोले अरे 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 मैंने तो गौमूत्र बोला था अम्मा, ये तू क्या लेके आ गई। और जिन लोगों के ऊपर बाबा ने ऐसा ऐसा छिड़का था वो भी वहां से उठ के भाग गए।
बोले नहीं, हमने हमारे ऊपर तो आई ही नहीं। तो साथियों, एक छोटा सा चिटकुल्ला था, कान के कच्चे लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है, इसलिए कोई भी मैसेज है उसको ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। नमस्कार।